नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। क्या प्रोग्राम था आप लोग का यहाँ पे? आज 102 नंबर वार्ड में एडीडीए की तरफ से हम लोग जो प्रिय विधायक है कुलटी का, सबसे जनप्रियता नेता पूरा पश्चिम बंगाल का, जो एकदम पूरा एमएलए का बोल रहे हैं हम, जो एकदम पूरा जनप्रिय है, वही आज एडीडीए हम लोग तरफ से, ये बहुत दिन का हम लोग का दावी था, आज पूरा हुआ। ये एडीडी का तरफ से जो हमारा विधायक, जो मेरा प्रिय विधायक उज्जल चरा जी की तरफ से आज ये शुभारम्भ हुआ। इसके अलावा आपके वार्ड में जो है स्वास्थ्य साथी योजना के तहत या फिर जितनी द्वारे द्वारे योजना के तहत आपके बस्ती में क्या लोग जो है वो संतुष्ट है? हाँ, देखिए, हाँ, पूरा पूरे हम तो बोलेंगे कि 99% स्वास्थ्य साथी जो माने होम टू द्वार द्वार जो सरकार है, द्वार द्वार है, जो सरकार का ही है प्रकल्प है, सब मेरा वार्ड का जितना पीपल है सब ये लाभ उठाए। हम लोग का वार्ड का जो 102 नंबर वार्ड का जो काउंसिलर है, उनका काम से हम लोग सभी बहुत खुशी है, क्योंकि हाँ, क्योंकि 100% उन्होंने काम करते रहा है। जैसे कोई भी मामले में बोलिए, स्कूल का मामले बोलिए, रास्ता घाट का मामले बोलिए, कॉल का मामले में बोलिए, सब कुछ में एकदम माहिर है और बहुत ही बढ़िया काम किया है। ये हम लोग का बहुत सेटिस्फेक्शन। हमारे विगत अनेक दिन एक इच्छा छो लक्ष्मी मंदिर विधायक साहब हम कथा दिए, खुबी आनंद विषय जो आज के उन्नी মন্দিরটা উদ্বোধন করলেন এবং কাল থেকে কাজ শুরু হবে। কত টাকা লাগলে এটাতে? অ্যাপ্রক্স 16 লাখ টাকার মতো খরচা হবে। এর সাথে সাথে আমাদের বিধায়ক মহাশয় আমাদের গ্রামের যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড বা মেডিকেল মানে প্রতিবন্ধীদের যে পেনশন, বিধবা ভাতা, এইসব যেসব জিনিস ছিলেন, তিনি প্রচুরভাবে এই ওয়ার্ডের কাজ করলেন। আমার কাউন্সিলরও মোটামুটি ধরুন ড্রেন, রাস্তা এসব করেছেন। আমরা গ্রামবাসী থেকে তাদের উপরে খুবই আনন্দিত। আপনার পরিচয় দাও। আমার নাম পিকলু ঘোষ, ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট, 102 নম্বর ওয়ার্ড। ভারতীয় জনতা পার্টির চায় পে চর্চায় আজকে উপস্থিত হয়েছি একটা লক্ষ্য নিয়ে, যে চারিদিকে বিজেপি সমর্থিত সমস্তায় উদ্দেশ্য নিয়ে যে সামনের 21 আসছে বিধানসভা, সেই বিধানসভায় তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করতে হবে, তৃণমূল সরকারকে উপরে ফেলে দিতে হবে, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে এবং হাতে হাত মিলিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আন্দোলনে সামিল হচ্ছে বিজেপির সাথে। এবং আমরাও দেখতে পাচ্ছি आज यहाँ चाय पे चर्चा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रखा है कुलटी में, विधानसभा में हमें इन्वाइट मिली है, इसलिए आए। जैसा कि आप माइनॉरिटी मोर्चा से है, तो क्या लगता है कि इस बार बंगाल में भाजपा जो है वो मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी? एकदम निसंकोच आकर्षित कर पाएगी, क्योंकि माइनॉरिटियों को यहाँ पर हर बार ठगा गया है और हर राजनीतिक दल ठगा गया है कि भारतीय जनता पार्टी है जो ऑनकोर्ट एकदम सही बात बोल करके मुसलमानों को बता रही है कि आपके साथ कितना गुमराही का काम किया गया है। पश्चिम बंगाल के अंदर में बम चलाने वाला मुसलमान, बम खाने वाला मुसलमान, जेल जाने वाला मुसलमान, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वोटर मुसलमान है वहाँ पर कर देख लीजिए आप, न रोज़गार में है मुसलमान, ना आपका एजुकेशन में मुसलमान, सबसे पीछे यहाँ का मुसलमान। जब ये बात भारतीय जनता पार्टी आ रही है और ये कह रही कि मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करूँगा, इस बात पर मुसलमानों की झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। हमारे 12 लाख कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा से जुड़े हैं, तो 60 लाख वोट तो हमारी ऐसे हो जाती है, तो एकदम है। बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कोई मुस्लिम कैंडिडेट भी दिया जाएगा? जी हाँ, एकदम दिया जाएगा। जो मुसलमान उस तरह से हैं, भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के चेहरा है, जीतने वाले हैं, अच्छा कार्यकर्ता है, उनको टिकट दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी मिलती है। अभी आपने देख लीजिए बिहार के अंदर में सैयद शाहनवाज हुसैन को MLC का मिला और वो जीते भी है, ये है भारतीय जनता पार्टी। आपका परिचय? इसके जुम्मन माइनॉरिटी मोर्चा जिला प्रेसिडेंट आसनसोल। अभी बीजेपी एक पार्टी के चाय पे चर्चा जो प्रोग्राम से प्रोग्राम अटेंड कर लम एखे जे प्रोग्रामे आज टिंकू वर्मा उन्नीट टू यूनिटर प्रेसिडेंटर उन्नी दायित्व नहीं
দায়িত্ব নিয়ে শ্রমিক সংগঠন আমরা ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়নের জেলা সভাপতি হিসাবে আমাদের টিঙ্কু এখানে ইউনিট সভাপতি যে কুলটি ইউনিট কু সেই ইউনিটের সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে উনিও এই প্রোগ্রামে সামিল হয়েছেন এবং ভারতীয় জনতা পার্টির যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ আছে তাদের সাথে সহযোগিতা করে আমাদের যে ইউনিয়ন সেই ইউনিয়নকে আগামী দিনে আরও শক্তিশালী কীভাবে করা যায় এর শক্তিটা বাড়ানো যায় এবং শ্রমিকদের কীভাবে আরও ফেসিলিটি দেওয়া যায় শ্রমিকদের কী কী বেনিফিট আছে আমাদের শিল্পাঞ্চল এলাকা আসানসোল দুর্গাপুর একটা শিল্পাঞ্চল এলাকা এই শিল্পাঞ্চলে এখন ভারতীয় জনতা পার্টি নজর দিচ্ছে যে শিল্প আছে এখানে সেই শিল্পের যারা শ্রমিক সেই শ্রমিকদের প্রতি যে সরকার আছে তৃণমূল সরকার সেই তৃণমূল সরকারের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দিকে দিকে আমাদের নেতৃবৃন্দদের এবং শ্রমিক সংগঠনে যারা জড়িত শ্রমিক সংগঠনে যারা নেতৃত্বে দিচ্ছেন তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে শ্রমিকদের স্বার্থে আন্দোলন দিকে দিকে দাদা আপনার পরিচয় আমার পরিচয় আমি ভারতীয় জনতা মজদুর ট্রেড ইউনিয়নের আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সত্যজিৎ অধিকারী।